नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस सैनी फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं MVI इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों MVI इंजेक्शन का यूज़ क्या होता है, इसका मार्केट प्राइस क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। दोस्तों जब किसी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या जब किसी पेशेंट को IV ड्रिप दिया जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ सबसे पहले नंबर पर किया जाता है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में ये जानें कि इसके यूज़ क्या है, इसका मार्केट प्राइस क्या है और इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो मैं अक्सर लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सो गाइस अब हम जानते हैं MVI इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों MVI इंजेक्शन का जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टी विटामिन इंजेक्शन होता है और इसका मार्केट प्राइस जो होता है ये मार्केट में आपको 20 रुपये में मिल जाता है। और दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें साइनोकोबलामिन पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, निकोटिनामाइड पाया जाता है, रिबोफ्लाविन फॉस्फेट हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन BK पाया जाता है और पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है। सो गाइस अब जानते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ किन किन पेशेंट में किया जाता है। दोस्तों इसका यूज़ जो है एनीमिया वाले पेशेंट में किया जाता है, जिनको खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, और कुछ लोगों में बायोटिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, कुछ लोगों में बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसमें भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, और कुछ लोगों को वीकनेस होती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, और कुछ लोगों को स्किन में बर्निंग होती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, और कुछ लोगों को डायरिया हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, कुछ पेशेंट आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है, और कुछ लोगों के सीने में जलन होती रहती है और उनके स्टोमेच में भी जलन होती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, कुछ लोगों में कुछ जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं यानी पीलिया के पेशेंट होते हैं तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। सो गाइस अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि बॉडी में स्वेलिंग आ जाना या फिर स्किन में लाल चकत्ते महसूस होना या फिर अचानक से ठंड लगना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट।